12.5 का फाइनल स्टेबल अपडेट हमारे MI 8 डिवाइसेस के लिए आ चुका है और ये जो अपडेट है बिल्कुल ही हमारे स्टॉक MIUI जैसा देखने को मिलता है और ये पोर्ट किया गया है हमारे टीटो की तरफ से। और मैं इस पोर्ट रूम के लिए बिग थैंक्स कहने वाला हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले हमें ऑफिशियल सपोर्ट मिला था अल्फा के रूप में, बीटा के रूप में हमारे रेडमी के नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स डिवाइसेज के लिए, और उसके बाद अभी तक किसी भी डिवाइसेज को देखने को नहीं मिला इंडिया में। बट ये जो 12.5 का स्टेबल अपडेट है 12.5.1 जिसका सारा चेंज लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये पोर्ट किया गया है और इसे अगर आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करते हो तो ज़रा सा भी ऐसा फील नहीं आएगा कि आपने एक पोर्ट रोम अपने फ़ोन के अंदर डाल रखा है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको ग्लोबल स्टेबल देखने को मिलता है और सारे फीचर्स वही देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैंने गेमिंग CPU थ्रॉटल सब कुछ चेक कर रखा है तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मिलने वाला है बैटरी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में और पूरा इंस्टॉलेशन के मामले में भी। बस जरूरत है आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करने की और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आपको ये वॉलपेपर पसंद आता है तो आप कमेंट करना, मैं इसे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं इसके होम स्क्रीन के सेटअप से। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेटिंग और ये है मेरे पास पोको का M2 Pro, लेकिन अगर आपके पास रेडमी का नोट 9S, नोट 9 Pro या नोट 9 Pro Max है तो उसमें भी ये रोम को डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको MIUI का लॉन्चर देखने को मिलता है ना कि हमारे पोको का, और साथ साथ यहाँ पे गूगल डिस्कवर और ऐप वैलेट भी मिलता है तो जो आपकी मर्जी हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। साथ साथ गूगल के सारे एप्लीकेशन मिलते हैं जैसे कि हमें स्टॉक MIUI में लगता है मिलता है और ये बिल्कुल ही स्टॉक MIUI है, बस नाम है इसका पोर्ट और T2 की तरफ से पोर्ट किया गया है। तो आप देख सकते हो गूगल के सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, MIUI के सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो कि अच्छे से काम कर रहे हैं, FM वगैरह सब कुछ। और जिस तरीके से हमें स्टॉक MIUI पे कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑटो डाउनलोड हो जाते हैं जैसे कि मोज, यहाँ पे शेयर चैट और ड्रीम 11 वगैरह, सेम उसी तरीके से इसे सेटअप करने के बाद जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन देते हो ये ऑटो डाउनलोड हो जाएंगे आपके फ़ोन के अंदर, जो कि फील देता है बिल्कुल ही MIUI जैसा। और यहाँ पे ब्लॉटवेयर भी देखने को हमें मिल जाता है। तो ये सब ज़बरदस्ती मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो गए हैं इस रोम के साथ जो कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रखा है। और अगर आप अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह ज़्यादा यूज करते हो तो इस रोम के साथ आपको L1 का सपोर्ट भी मिलेगा चारों डिवाइसेज के अंदर, तो आपको इससे रिलेटेड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात CPU का क्या डिटेल देखने को मिलता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डिटेल देखने को मिलेगा। मैं आगे CPU थ्रॉटल वगैरह भी आपको शो करने वाला हूँ, अभी ये स्टॉप शो कर रहा है क्योंकि ये एप्लीकेशन कभी कभी क्रैश करता है और कभी कभी ठीक से काम करता है, तो CPU जेट एंड्रॉयड 11 पे ठीक से बिहेव नहीं कर पाता तो आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर हम इसके अबाउट पे आते हैं यानी माई डिवाइस के ऊपर तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड जो वर्जन देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 11, क्योंकि हमारा जो ऑफिशियल है चारों डिवाइस वो सभी एंड्रॉयड 10 पे ही रन कर रहे हैं, बट ये 12.5 का स्टेबल अपडेट आपको एंड्रॉयड 11 पे मिलता है जिसमें आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि 2021.4.1 का है जिसे आप 1 month ओल्ड कह सकते हो। 12.5.1 का एक स्टेबल अपडेट जिसमें आप देख सकते हो डिफरेंट तो नहीं, डिफॉल्ट ही प्री प्लस का कर्नल यूज किया गया है। साथ ही साथ अगर आगे की ओर चलते हैं तो वही सारे कस्टमाइजेशन के साथ एक एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स आपको मिलता है, वो है ऑलवेज ऑन का, क्योंकि हमारा ये चारों डिवाइसेज ऑफिशियली इसे सपोर्ट नहीं करता है बट इस डिवाइस के साथ इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑलवेज ऑन का सपोर्ट मिल जाएगा और आप इसका फुल बेनिफिट ले सकते हो, अच्छे से काम करता है लेकिन बैटरी ड्रेन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर आप इसे यूज करने वाले हो तो ओनली ऑन 10 सेकेंड के लिए अप्लाई करो जिससे आपको MIUI 12.5 का स्टेबल का फील मिलेगा, एंड्रॉयड 11 मिलेगा और ऑलवेज ऑन का सपोर्ट भी मिल जाएगा और ये मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा है। साथ साथ डार्क मोड, रीडिंग मोड वगैरह आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, इनमें कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप डार्क मोड को भी इनेबल कर सकते हो और ये अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी आपको कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, टेक्स्ट साइज वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं पे अगर हम डिस्प्ले की ओर आते हैं, यहाँ पे आगे के आते हैं साउंड एंड वाइब्रेट के अंदर,
तो आपको यहाँ पे साउंड असिस्टेंट भी देखने को मिलता है एंड्रॉयड 11 होने की वजह से, क्योंकि ये एंड्रॉयड 10 पे आज तक हमें मिला नहीं था। बट इस 12.5 का स्टेबल को डालने के बाद आपको साउंड असिस्टेंट और बाकी तो सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे साइलेंट मोड का, DND का, शेड्यूल्स वगैरह का, नोटिफाई कॉल्स वगैरह का ऑप्शन मिलता है, हैप्टिक फीडबैक को आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में जो ऑप्शन मिलते हैं बूट ऑडियो वगैरह का, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम नोटिफिकेशन कंट्रोल पे आते हैं तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो अपने लुक को कि आपको MIUI 11 जैसा रखना है या फिर MIUI 12 जैसा रखना है। लेकिन इस ग्लोबल स्टेबल में इंडियन यूजर्स को प्रोवाइड नहीं किया गया है डेटा स्विच वगैरह का और डेटा चेक करने का, यहाँ पे नॉर्मल सा ही ऑप्शन है बस ऑन एंड ऑफ करने का। तो जो अपडेट अभी तक इंडियन यूजर्स को मिला है ऑफिशियली, सेम वही चीज़ें उसमें देखने को मिला है और इस पोर्ट रोम के अंदर भी देखने को मिला है। यानी इस पोर्ट रोम के अंदर कोशिश की गई है कि बिल्कुल ही इंडियन रोम का फील दिया जाए, कुछ भी एक्स्ट्रा टच एडिट वगैरह नहीं किया गया है, और बाकी स्पीड मीटर और आइकन वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। होम स्क्रीन के सेटअप पे आते हैं तो आपको रो एंड कॉलम, रिसेंट वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, हाइड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि हमें नॉर्मल MIUI में देखने को मिलता है। तो सेम वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, बस इसका जो ये लुक है ये चेंज हो चुका है इस 12.5 के वजह से। आगे आते हैं तो वॉलपेपर थीम में कुछ चेंज नहीं है, हमारा फिंगरप्रिंट फेस अनलॉकिंग अच्छे से काम करता है, और यहाँ पे जो हमारा प्राइवेसी प्रोटेक्शन है ये भी ओल्ड ही है, इसे अपडेट नहीं किया गया है ऑफिशियली, इसकी वजह से इस पोर्ट में भी आपको ओल्ड नज़र आता है। हमारा जो बैटरी डिटेल है इसमें भी सब कुछ पहले जैसा ही देखने को मिलेगा, और जितना भी यूज है आप देख सकते हो किस तरीके से डिटेल देखने को मिल रहा है, और जितना भी मैंने यूज किया है उसके हिसाब से मैं कहूँगा भाई बैटरी मुझे यहाँ पे रियली में काफ़ी हद तक सही लगा है, जैसा कि ऑफिशियल MIUI पे मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट और यहाँ पे अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप, ये दो नए ऑप्शन दिखाई देते हैं जो कि ऑफिशियली हमें प्रोवाइड किया गया है। बट इन दोनों ऑप्शन के अंदर अभी तक कोई भी सिस्टम के ऐप्स ऐड नहीं किए गए हैं, जैसा कि आपको लॉन्च में पता था कि हम डिफॉल्ट सिस्टम के एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं, बट ऐसा यहाँ पे कोई भी फीचर्स आपको ऑफिशियली प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इस पोर्ट रोम के अंदर भी ये फीचर्स आपको नहीं मिलता है। यानी मे बी जो नेक्स्ट अपडेट आएगा ऑफिशियली उसमें ये प्रोवाइड कर दिया जाए तो हमें भी मिल जाएगा, बट फिलहाल के लिए इस यहाँ पे बिल्कुल ही आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है अनइंस्टॉल करने से रिलेटेड। यहीं पे एडिशनल के अंदर आप रीजन वगैरह चेंज कर सकते हो, जो भी रीजन आपको चाहिए ये अच्छे से काम करता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से वर्किंग है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले या फिर बटन वगैरह यूज कर पाओगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। साथ साथ MI अकाउंट वगैरह आपको देखने को मिलता है, और स्पेशल फीचर्स में एक एज कंट्रोल यहाँ पे ऑप्शन है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, और उसके बाद आपको वीडियो टूल बॉक्स और गेमिंग वगैरह भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह प्ले किया है तो वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से देखने को मिलता है। बट बात करते हैं हमारे गेम टर्बो की कि क्या गेम टर्बो में हमें देखने को मिलता है और हमारा जो फाइनल बेंचमार्क है वो कितना है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमें रिजल्ट देखने को मिला है CPU, GPU, MEM और EVX का, जो कि एक नॉर्मल सा स्कोर मैं कहूँगा ठीक ठाक है। और यहाँ पे वॉइस चेंजर भी आपको देखने को मिलता है, यानी आप गेमिंग के टाइम में वॉइस चेंजर का बेनिफिट ले सकते हो अच्छे से, आपको दिक्कत नहीं आएगा। मे भी चारों में से किसी एक यूजर्स को यानी एक डिवाइस के यूजर्स को प्रॉब्लम आ सके। और यहीं पे अगर टूल बॉक्स की बात करें वीडियो का, तो इसमें भी कुछ खास नया देखने को नहीं मिलता है, वही सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड कुछ खास एडवांस नहीं है। और अगर हम इसके सेटिंग्स पे इन करते हैं तो सेटिंग्स भी आपको नॉर्मल सा ही मिलेगा, और यहाँ पे एक वीडियो एडिटर दिया गया है जिससे आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो उसे एडिट कर सकते हो, एक ट्रैक बना सकते हो, जो कि काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको बताया था ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और रही बात किसी भी फोटोज वगैरह को एडिट करने की, तो यहाँ पे अगर आप एडिट पे आते हो तो एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, रीनेम का और गूगल लेंस वगैरह का ऑप्शन नया देखने को मिलता है इस 12.5 के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ पे हमें गैलरी में मिल जाता है। और आप देख सकते हो एडजस्ट का किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इनहेंस वगैरह करने का, और यहाँ पे आप इसे वाइट एंड ब्लू भी कर सकते हो, सॉरी ब्लैक। तो यहाँ पे जो सारे फीचर्स मिलते हैं वो सारे आपको ग्लोबल के ही देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारा सिक्योरिटी ऐप है वो भी ग्लोबल वाला ही देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा एक कमी मैं इस रोम की कहूँगा, पूरा ग्लोबल स्टेबल का फील देने के लिए इन्होंने डायलर को रिमूव नहीं किया है, यानी यहाँ पे जो हमें डायलर देखने को मिलता है वो लेटेस्ट जो कि आजकल फिलहाल सभी डिवाइसेज में आ रहा है गूगल का। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कॉलिंग करते हो ना भाई, तो ये चीख चीख के सुना देगा कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का आपको जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस रोम को इंस्टॉल करने के बाद, और वो वाईफाई वगैरह अच्छे से काम करता है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा।
रही बात कैमरे की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपअप का मैसेज आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पॉपअप भी यूज कर सकता हूँ मैसेजिंग को, जो कि अच्छे से काम करता है और ये हमारे एंड्रॉयड 11 का फीचर्स है। इसके बाद मोड पे आते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से टाइल्स में बदल सकते हो और जितने भी कैमरे के सारे फीचर्स है वो अच्छे से काम करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला है कैमरे को यूज करने से रिलेटेड। और यहाँ पे जो हमारा देखने को मिलता है थीम स्टोर, ये भी आपको है जो ग्लोबल का ही देखने को मिलेगा, कोई भी चाइना वाला आपको देखने को नहीं मिलता है। और पॉपअप मैसेजिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे गूगल का जो आइकन वगैरह है ये थोड़ा सा नए कलर में आपको नज़र आ रहा है, जो कि 12.5 के वजह से हमें दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे जो कुछ भी है सब कुछ काफ़ी परफेक्ट देखने को मिला है। रही बात CPU थ्रॉटल, यानी अगर हम गेमिंग वगैरह करेंगे तो कैसा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ CPU थ्रॉटल को लेकर, क्योंकि आप देख सकते हो 15 मिनट तक ये टोटल रन होता है और मैंने पूरा कंप्लीट रन किया है और जो परसेंटेज है वो 95 देखने को मिला है। भाई इतना अच्छा रिजल्ट तो हमें एक ऑफिशियल जो स्टॉक MIUI OT अपडेट से मिलता है उसमें भी नहीं मिलता है, बट इस पोर्ट रोम के अंदर जो कि ग्लोबल स्टेबल है काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है और मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ इसके रिजल्ट को देखने के बाद। वहीं पे मैंने यहाँ पे इसका बैटरी टेस्ट भी कर रखा है, तो मैं आपको बैटरी डिटेल दिखाता हूँ किस तरीके से देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे 88% बैटरी है और टाइमिंग आपको देखने को मिला है 10:16। जब मैं इसे मॉर्निंग पे चेक करता हूँ तो ये 87 चला जाता है, ओनली ऑन 1% का बैटरी ड्रेन हुआ है और टाइमिंग आ चुका है 5:51 AM। और यहाँ पे मैंने सिम कार्ड नहीं डाल रखा था, तो विदाउट सिम के 1% का बैटरी ड्रेन देखने को मिला है। तो मे भी अगर आप यहाँ पे सिम कार्ड वगैरह यूज करते हो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह, तो आपको 5% के आसपास का बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही है। यहीं पे हमारा जो वॉल्यूम बार है ये भी आपको लेटेस्ट नए लुक में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो एक नया UI आया है चाइना बीटा वगैरह के लिए वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ग्लोबल में हमें सिर्फ यही प्रोवाइड किया गया है। लेकिन जो हमारा पावर मेनू है ये अभी तक स्टिल पुराना ही देखने को मिलता है ऑफिशियली, जिसकी वजह से इस पोर्ट रोम में भी आपको पुराना ही लुक देखने को मिल जाता है। तो जो कुछ भी था इस रोम से रिलेटेड वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल का है, फीचर्स काफ़ी कमाल का है। रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है वो देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको गेमिंग भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और कुछ यूजर्स का रिपोर्ट आ रहा है कि कभी कभी ये रेंडम रिबूट हो जाता है कुछ सेटिंग को ओपन करने के बाद, और ऐसा प्रॉब्लम मुझे रियली में नहीं आया है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताना। और इसे इंस्टॉल करने के बाद आप सिस्टम के एप्लीकेशन वगैरह को अपडेट भी यहाँ पे कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब डायरेक्ट स्विच करते हैं हम अपने TDLRP की ओर और देखते हैं कि इसे इंस्टॉल आखिर करना है तो कैसे करना है हमारे फ़ोन के अंदर। TDLRP को ओपन हो जाने के बाद अगर आप TDLRP पे हो तो ऑरेंज फॉक्स पे स्विच कर जाना, और अगर आपका इंटरनल फाइल है डिक्रिप्ट है तो आपको फॉर्मेट नहीं करना है, लेकिन अगर आपको इनक्रिप्टेड है यानी इंटरनल की फाइलें शो नहीं हो रही है तो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल वाइप करूँगा, और वैसे भी आपको अपने सारे इंटरनल फाइलों का बैकअप लेना है, अदरवाइज सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे वाइप हो जाने के बाद फाइल पे जाना है, आपने जहाँ पे भी फाइल को रख रखा है वहाँ पे ब्राउज करना है, अगर आप इंटरनल यूज करो तो इंटरनल, एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल। उसके बाद क्या करना है आपको अपने फाइलों के पास जाना है। यहाँ पे ये रहा फाइल जो कि आप देख सकते हो MIUI ग्लोबल 12.5.1 पोर्ट हब, इसके बाद ऐड पे टैप करना है। अब आपके डिवाइस का जो भी FW है लेटेस्ट वाला उसे सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास ये पोको का M2 Pro, इसका मैं FW यहाँ पे लेटेस्ट वाला सेलेक्ट कर लूँगा, आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से इस पर ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपको बैक जाके यहाँ पे सेलेक्ट करना है नेटवर्क फिक्स, क्योंकि अगर आप नेटवर्क फिक्स फ्लैश नहीं करोगे तो आपका सिम सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब ऐड मोड पे टैप करके आपको ये जो अनरूट चिप है इसे आपको सेलेक्ट करना है, जिससे क्या होगा कि आपका डिवाइस अनरूटेड रहेगा और बाय डिफॉल्ट जो डिवाइस सर्टिफाइड है वो पास हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बैंकिंग के ऐप यूज कर पाओगे। इन फाइलों को फ्लैश करने के बाद यानी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्वाइप कर देना है। इसके कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद के लिए क्या करना है आपको फिर से मेनू पे जाना है, रिबूट टू रिकवरी को एक बार फिर से ओपन करना है। अब दोबारा रिकवरी के ओपन हो जाने के बाद क्या करना है आपको फिर से फाइल को ब्राउज करना है, और जो वेंडर है ये देख सकते हो यहाँ पे जो कि यूनिफाइड आर वेंडर, इसे सेलेक्ट करना है और फ्लैश कर देना है। कंप्लीट फ्लैश इसके हो जाने के बाद आपको होम पे जाना है, वाइप पे जाना है, यहाँ पे फॉर्मेट पे यस टाइप करना है, फॉर्मेट कर देना है। फॉर्मेट करने के बाद आपको रिबूट करना है और आपके चारों डिवाइस में से जिसमें आपने इसे इंस्टॉल किया है सक्सेसफुली बूट
कट जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत वगैरह आता है तो आप कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। गेमिंग टेस्ट बाकी है जो कि मैं एंड में आपको ऐड कर दूंगा, बट जिस तरीके से सीपीयू टोटल और बाकी परफॉर्मेंस देखने को मिला है ना, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी कमाल का देखने को मिलने वाला है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, प्लीज़ लाइक करें और पसंद आए ना तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अरे क्या हो रहा है भाई लाइट को। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल फ़ैन चालू है क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गेमिंग भी शो कर रहा हूँ। फ़ैन चालू की वजह से आपको नॉइज वगैरह देखने को मिल सकता है। Ha ha ha.